हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यमी यमी मेथी पराठा। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से बहुत ही इजी रेसिपी के साथ हम बनाना शुरू करते हैं पराठा। मेथी पराठा बनाने के लिए हमें फ्रेश मेथी चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले बहुत बारीक बारीक इसके पत्ते हम अलग कर लेते हैं। सभी पत्तों को रेडी करेंगे। मेथी के पत्तों को हमें अलग कर लेना है। मैंने सभी पत्ते साफ कर लिए हैं और इसकी जड़ियों को अलग कर लिया है। मेथी को अब हमें बारीक बारीक काट लेना है। मेथी को अब एकदम हमने बहुत ही बारीक काट लिया है और अब एक डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी आटा, आधा छोटा चम्मच नमक और अच्छे से धुला हुआ मेथी का पत्ता। सबसे पहले हमें नमक, आटा और पत्ते को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम साथ साथ मेथी धुलते हैं तो थोड़ा सा पानी मेथी के अंदर होता है, तो उसी हिसाब से आपको डो बनाते हुए पानी डालना है। तो यहाँ पर पहले मैं 2 से 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ और मिक्स कर लेंगे एक बार फिर। और मसल मसल कर हमें आटा लगाना है। डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पर आप मेथी को हल्का सा स्टीम कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कच्ची मेथी का इस्तेमाल किया है। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, साथ साथ एक लोई लेंगे और उसको थोड़ा सा हमें गोल कर लेना है। और अब धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। तवा हमारा गरम है और धीरे से हम अपने पराठे को डालेंगे तवे के ऊपर। पहले एक साइड से हल्का सा सिकने देंगे। हल्का हल्का सा हमारा एक पराठा एक तरफ से सिक गया है, तो अब इसको पलट लेते हैं और थोड़ा सा लगाएंगे देसी घी। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज्यादा ले सकते हैं। और फिर इसको हम दबाते हुए सेक लेंगे। पराठा हमारा एक साइड से सिक गया है, अब इसको हम पलट लेंगे और दबाते हुए हमें अपने पराठे को अच्छे से सेक लेना है। एकदम हमारा हेल्दी यामी यामी पराठा बनकर तैयार है। तो आप ऐसे ही बहुत इजी रेसिपी के साथ अपना यामी यामी मेथी पराठा बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।